ये वाला ग्राउंड मेरे दिल के बहुत ज्यादा पास है। T20 ODI या फिर टेस्ट मैच कमेंट करके जरूर बताना। 4 बॉल में अब 7 रन चाहिए। नए वाले शूज की अनबॉक्सिंग देखने के लिए भाई पिछले वाले व्लॉग में 10,000 कमेंट्स फटाफट से करा दो, बस 2,000 के आसपास कुछ कमेंट्स और चाहिए। Hey guys, welcome back to another vlog of Cricket Cardio. I hope आप सभी अच्छे होंगे भाई। आज है संडे का दिन और सुबह 5:30 बजे के आसपास मैं उठ गया था और भाई थोड़ा सा लेट हो गया हूँ भाई। 5:30 बजे उठने के बाद भी लेट हो गए क्योंकि आप सबको पता होगा गर्मी अब आती जा रही है तो मैचेस भी जल्दी स्टार्ट होते जाएंगे। पहले तो भाई 8-9 बजे मैच स्टार्ट होते थे फर्स्ट लॉट के, बट अब जो है आपका 7-7:30 बजे के आसपास मैच शुरू हो जाया करेंगे, तो इसीलिए जल्दी उठना पड़ेगा। आज होने वाला हमारा 20 ओवर का मैच, एक और व्हाइट बॉल का मैच मैं खेलने वाला हूँ भाई। मैं तो रेड बॉल को मिस करता हूँ यार, मेरी फेवरेट तो रेड बॉल ही है। आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद आता है, T20 ODI या फिर टेस्ट मैच भाई, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा फेवरेट तो भाई टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच में जो स्किल्स का टेस्ट होता है बैट्समैन का भी बॉलर का भी, बॉलर को भी एक ही लाइन पकड़नी होती है, बैट्समैन को भी भाई अच्छी बॉल बॉलर डाल रहा है तो उसको डिफेंड पे डिफेंड, और अगर गंदी कोई उसे मारने का मौका मिलता है तो अक्सर क्या होते हैं इसी बॉल्स पे आउट भी हो जाते हैं बैट्समैन, तो भाई यही टेस्ट बेस्ट होता है, तो इसीलिए टेस्ट है मेरा फेवरेट। आप सभी लोग कमेंट करके बताना T20 आपको अच्छा लगता है, ODI अच्छा लगता है या फिर टेस्ट मैच अच्छा लगता है। और भाई लास्ट वाले व्लॉग नंबर 84 में आप सभी ने कमेंट्स का टारगेट हमारा पूरा नहीं करा है, बस 2,500 के आसपास कुछ कमेंट्स बचे हैं। और आज जो मैं शूज यूज करने वाला हूँ पूरे व्लॉग में मैं शो नहीं करूंगा, जब तक वो 10,000 कमेंट्स का टारगेट पूरा नहीं हो जाता मैं अपने नए वाले जो शूज है वो नहीं दिखाने वाला हूँ। 10,000 कमेंट्स व्लॉग नंबर 84, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ 7:30 बजे से पहले पहले ये वाला जो हमारा कमेंट्स का टारगेट है पूरा हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरे जो भी शूज है सबकी अनबॉक्सिंग एक ही वीडियो में करने वाला हूँ और प्राइस बताने वाला हूँ कहाँ से मैंने लिए हैं, उनकी क्या यूसेज है, क्या बेस्ट है। भाई ये देखो बाइकर आते हुए, ये गए भाई। संडे के दिन साइक्लिस्ट और बाइकर्स भाई बहुत ज्यादा घूमते हैं इस वाले रोड पे, बहुत ही प्यारा रोड है। और व्यू दिखा देता हूँ आप सबको आज सुबह का व्यू कैसा है। दिस इज द व्यू एज यूजुअल, हम अपने पेट्रोल पंप पे खड़े होके यहाँ पे इंट्रो शूट करते हुए, वहां से सनराइज होता हुआ, बहुत ही प्यारा यहाँ पे मौसम। आज के ग्राउंड की बताऊं भाई, ये वाला ग्राउंड मेरे दिल के बहुत ज्यादा पास है क्योंकि मैंने इस वाले ग्राउंड में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करा है। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करी है, यहाँ पे मैचेस खेले हैं, यहाँ पे जो भी वीडियो पहले इन्फॉर्मेटिव जो भी वीडियोस बनती थी वो सारे उसी ग्राउंड पे बनती थी। द्रोणा स्पोर्ट्स विलेज पहले उसका नाम था, बट अब उसका कुछ और नाम हो गया, किसी और ने ले लिया, लाइट्स वाइट्स वहां पे लग चुकी है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करके ये भी पूछते रहते थे कि भैया आप द्रोणा में क्यों नहीं मैच खेल रहे हो। भाई आज हम उसी ग्राउंड में जाने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या कुछ उस ग्राउंड में बेहतर हुआ है और कैसा वहां का एटमोसफेयर है। एक दिन मैंने बाहर से तो दिखाया था बट आज उसी ग्राउंड में हम मैच खेलने वाले हैं, तो चलते हैं सीधा ग्राउंड दिखाते हैं। यश भी शायद आने वाला है, अभी पूछता हूँ उससे कहा है, सीधा चलते हैं ग्राउंड पे मिलते हैं। अरे आप तो पिछले खेले नहीं, देख लो भाई ये रहा ग्राउंड। ओए मजे आ रहे हैं भाई आज के नए स्पाइक्स पहन के, बढ़िया जा रहे हैं। मैं दिखा नहीं सकता यार, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबको दिखाने के लिए। बट हाँ, 10,000 कमेंट्स करा दो पिछले व्लॉग में, विकेट दिखा देते हैं। और ये होता था पहले ग्राउंड नंबर 2, वो वाला जहाँ पे मैच ऑलरेडी चल रहा है वो है ग्राउंड नंबर 1, वहीं पे लाइट्स लग रखी हैं, ये री लाइट्स। यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं, टॉस आ गया आज। ये रही विकेट, यश भी आ रहा है, थोड़ा लेट चल रहा है यश। आज हम टॉस हार गए थे यार, और टॉस हार के हमारी बॉलिंग आई है, हमारे प्लेयर थोड़े से लेट भी चल रहे हैं। 7:15 का रिपोर्टिंग टाइम था, ऑलरेडी 7:45 हो चुके हैं। नॉस्टैल्जिया आ रहा है भाई, नॉस्टैल्जिया। इस वाले ग्राउंड में भी हमने वीडियो बनाई है लेग स्पिनर के लिए, अभी आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, लेग स्पिनर के लिए इसी पिच पे हमने वीडियो बनाई थी। लेट्स गो, मैच स्टार्टिंग, फर्स्ट बॉल टू यू। ओके आई थोड़ी फंसी थी,
भाई रुक के आई सेकंड बॉल एंड इज गॉन। बेचारे का तो दिन खराब हो गया। सेकंड बॉल और हमें विकेट मिल चुकी है। बहुत रुकी थी, दोनों बॉल रुकी थी वैसे तो, बट सेकंड वाली तो कुछ ज़्यादा ही रुकी। बैट्समैन बिल्कुल क्लूलेस रह गए, बैट तो घुमाया बट बैट ज़्यादा जल्दी घूम गया, बॉल बहुत बाद में आई। मार दियो मार दियो मार दियो, बैटिंग मार मार मार। ओ भाई ये क्या राइज हुई, कोई नहीं ट्राइड है, चार रन। कोई नहीं ऊपर से आ जाओ, थोड़ा ऊपर से। और हमें ऐसे बॉल सुखाने का मिला है, अभी टावल मिल रखा है, इसे सुखाएंगे। बहुत ज़्यादा ओस है, जैसे ऐसे धूप बढ़ेगी फिर ओस कम होती जाएगी। तेरी है, गुड वन। ओ ये चेस्ट पे लगी बैट्समैन के, एक दो दिन रुक के आई है बॉल। फील्ड रुकेगी रुकेगी, चौका, चार रन। How's that? Good ball, good ball. How's that? Yes. चार रन। यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक होते हुए, यहाँ पे तुम्हारा भाई हेलो कितना 82 हो गया। तो भाई ये 10 ओवर हो चुके हैं और दूसरी टीम के 82 रन हो चुके हैं, दो विकेट के नुकसान पे। अच्छा खींच लिया, 6 ओवर में तो कुछ 40 रन थे उनके, बाकी के 4 ओवर में बहुत रन लीक हो गए। अब देखते हैं 10 ओवर में रोकते हैं भाई, क्योंकि 170 काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। चलो भैया चलो, मीट आवाज जडेजा 4 विकेट ले ली बिना बॉलिंग करे हुए। क्या टारगेट क्या भैया? और इसमें आए 3-4 रन आगे शायद 151 का होगा। खेलना भैया खेलना, शाबाश शाबाश।
आउट है लड़के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ये हुआ जो शाह के साथ हुआ था वही हो रहा है। ओए लगी भाई, सिर पे लग गया, लगी है मेरे का। भाई 17 बॉल में चाहिए 24 रन भैया के साथ। फिर से बॉल के लिए रीच मत करना, अलग से आने दे, पूरा ग्राउंड खाली है, कहीं भी मार। चल लग के लेग स्टिक सामने का बहुत बड़ा, सामने में जिसने भी शॉट मारे कैच आउट हुआ। दो 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 आ गया, गैप पे गैप है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रेशर प्रेशर, जीता जीता है मैच है यार, ये तो प्रेशर आ चुका है, बट देखते हैं क्या रहेगा। चलो बढ़िया बढ़िया, किसी ग्राउंड पे छक्का होती है। 8/18 देख, दो बॉल है इस ओवर की, हिट तो करना ही है। 8/18 और बैट के टच होते सिंगल तो है, ठीक है, हिट हिट के ले जा, ठीक है ठीक। छह में घुमा, हाँ जैसा भी रहेगा। अरे यार ओके वाली बॉल थी, छह में 17 हो गए यार, लास्ट ओवर बहुत ही हल्का चला गया। आ जाए एक और रहा, गुड शॉट एक नंबर, घुमा 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 बढ़िया बढ़िया। पहली बॉल में चौका आ गया, 5/13 दो, दो। कीपर 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 कीपर
कीपर कीपर तेरे एंड पे, तेरे एंड पे। हाँ चेक कर ना, चेक कर। लक भी साथ में। चलो कितने रह गए अब? चार में साथ। हर बॉल पे सिंगल डबल पे भी बनता है, ठीक है? कुछ भी हो सिंगल डबल चेक कर भाई। ओवर थ्रो के आगे चार बॉल में अब सात रन चाहिए। हो ही गई थी बाउंड्री, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई नहीं प्लेयर। अगर इधर मारा होता ना छक्का था। तीन बॉल में सात रन चाहिए। चेक करो, चेक करो, चेक करो। दो में पांच। भाई स्ट्राइक नहीं आई मेरी। एक पे तीन चाहिए। सेम बॉल थी। भाई वो मैच हो चुका है ख़त्म यार, क्या बोलूँ आज। आज तो भाई मेरी गलती थी वैसे, कुछ भी नहीं थी, आपकी तो स्ट्राइक ही नहीं आई। लास्ट ओवर में एक दो बॉल भी मिल जाते ना, कि डबल डबल भाग रहा था क्योंकि भाई जितने मैक्सिमम हो सकते थे उतने भागने थे। मैं सोच रहा था एक आधी बॉल पे तीन रन आ गए ना मेरी स्ट्राइक आ जाएगी। एक तो वो वाला रूल यार, वो जो कैच हो जाता है और स्ट्राइक चेंज नहीं होती है। लास्ट वाले ओवर में दो बार ऐसा हुआ यार, स्ट्राइक ही नहीं आई उसकी वजह से। भाई दो रन से हम मैच हार गए, मतलब जीता जिताया मैच था, जीता जिताया बिल्कुल हाथ से वो ले गए हमारे। एक बॉल मिल जाती है ना। एंजल भैया ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, वो आउट हो गए थे 51 रन्स पे 38 बॉल्स पे, बहुत बढ़िया बैटिंग करी। वो तो हमेशा भाई बढ़िया खेलते हैं, हिटिंग विटिंग बढ़िया करते हैं। और अक्षय भैया की भी अच्छी थी ओपनिंग, उनने करी थी 42 रन्स मारे। और तो भाई सब ऐसे ही 2-7-4, मैंने 5, तो यही हुआ। मतलब एक टाइम को ढह गई हमारी टीम। अगर थोड़ी और ऊपर मेरी बैटिंग होती मुझे पता है सिंगल डबल का गेम था। बनने थे यार, क्लियरली बनने थे। दो रन से मैच हार गए हम। और अभी इतना गुस्सा आ रहा है कि बस बॉलिंग मशीन पे जा रहे हैं, वहां पे गुस्सा उतारेंगे। मैं और यस देखते हैं अस्तित्व, अगर आता है उससे पूछते हैं, वरना आज हम दोनों चैलेंज करेंगे। हमारी रन काउंट। अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ है। और भाई जूते जूते नहीं दिखाऊंगा भाई, स्पाइक्स कौन से मैंने लिए हैं। 10,000 कमेंट्स, व्लॉग नंबर 84, बस 2,000 बचे हैं। 2,000 लोग वहां पे जाके कमेंट कर दो। तूने करा कमेंट? नहीं। करना फिर, एक कम होएगा। हाँ पर मैंने तो देख लिए। तू मतलब और लोगों को नहीं चाहता वो देखें? तो और लोग चाहते हो तो कमेंट करो। हाँ देख ले, यहाँ पे अकेडमी होती होगी। एक ये रहा सीमेंटेड। अब सीधा चलते हैं हम बॉलिंग मशीन पर। One hour later. लो भाई यो, आ चुके हैं हम बॉलिंग मशीन पर। 10 सेकंड है तेरे पास, आज के चैलेंज के बारे में बता दे। आज के चैलेंज में है कि स्टार्टिंग की रुको दोबारा। 10 सेकंड तो खत्म हो गए। चलो कट, टेक टू। तो स्टार्टिंग में खेलेंगे दो बैट्समैन, दो के तुमसे ना हो पाएगा। 3-2-1 गो। तो भाई ये टॉस हो चुका है, पहले बैटिंग करेंगे गगन भाई, फिर मैं, फिर ये। रूल क्या है कि बॉलिंग मशीन पे पहले की स्पीड होगी 2 ओवर 100। हाँ, उसके बाद 110। हाँ, फिर उसके बाद 2 ओवर होगी 130 या 140। हाँ, जो भी बैट्समैन की मर्जी है। हाँ, और उसके बाद 1 ओवर मिलेगा स्पिनर का, जब वो चाहे, जब वो स्पिनर खेल सकता है। और जो भी हारेगा इस चैलेंज को, हाँ, वो मूवी की टिकट के पैसे देगा। ठीक है, सीधा चलते हैं अब बैटिंग पर। मैंने पैड वैड कर लिया, देख लो भाई। बेहतरीन गेंद यहाँ पे, एक ओवर में 5 रन। क्या
भाई साहब यहाँ लगी है, यहाँ से हेल मिलोगे। अब तो निकल गया यार, यहाँ मारा है। अब तो निकल गया यार, यहाँ मारा है। माइनस कितने करवाया आपने भाई? सारे माइनस कराए जितने बड़ा है। मैं तो बोल रहा था माइनस उठा दो यार। रुकिए जरा, कहाँ जा रहे हो? अपना इंटरव्यू देते जाओ। एक काम कर, तू बैटिंग कर, फिर दोनों इकट्ठे देते हैं। मेरी बैटिंग आ गई गाइस, अभी देखते हैं मैं क्या कर पा रहा हूँ, अब मजा आएगा। तो आपका स्कोर क्या है? 5 ओवर में क्या रहा? 15 कितने? 15 बता, 15 रन ज्यादा थे या नहीं थे? भाई ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। दोनों के मिला अगर अगर आउट नहीं होता तो कम थे। Later that same evening. तो फाइनली आई एम होम और सामान वामान रख दिया भाई। थक चुके हैं, काफी थक गए हैं, पूरा दिन ऐसे लग जाता है। सुबह तो भाई हमारा मैच था, मैच आप सभी ने देखा कितने गंदे तरीके से हमारे, और भाई उसके बाद गुस्सा निकालने बॉलिंग मशीन पर गए और इतना टफ चैलेंज कर दिया कि भाई लो स्कोरिंग भी तुम्हारा भाई जीत गया। 15 रन बनाए थे भाई 5 ओवर में। भाई देख के तो आप सभी लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा, बट भाई इतना आसान था नहीं, क्योंकि स्पीड वैरी करती है और जो लेदर बॉल से आप खेलते हो और वो जो सिंथेटिक की बॉल होती है बॉलिंग मशीन में, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये दोनों का डिसाइड ही नहीं हुआ भाई कौन हारा है कौन जीता है, तो ये पता नहीं लग पाया लास्ट पोजीशन किसको आई। बट आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना T20 ODI या टेस्ट कौन सा आपको बेस्ट लगता है। और भाई ब्लॉग नंबर 84 में 10,000 कॉमेंट्स फटाफट से करा दो भाई, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सभी को सारे जो भी जितने भी मेरे शूज हैं वो दिखाने के लिए। और बहुत ही जल्दी मैं एक और जूता लेने वाला हूं, तो शायद उस वीडियो में मैं वो भी ऐड कर दूं। और जिसने भी फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। और जो भी मूवी हम कौन सी देखने गए, क्या था, कैसा रहा, कैसी थी मूवी, सारी चीजें भाई यश के ब्लॉग में आप सभी को नजर आ जाएंगी। अपना ख्याल रखिए, एज ऑलवेज टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार, और क्रिकेट खेलते रहिए। बाय बाय। क्या बातचीत चल रही है? 1 लाख चला दी। देख कितने साल पुरानी है? एक साल में 1 लाख? वही तो 10,000 वाले। तुम से ना जाने क्यों।